नमस्कार, हम आज बात करेंगे कास्टिंग काउच की। कई सारी ऐसी अभिनेत्रियां होती हैं, मॉडल होती हैं, जो इस बात का शिकार होती हैं। अगर हम ताजा खबरों पर ही नजर डालें तो एक मॉडल ने, जिसने पारस्कर जो कि मुंबई के डीआईज हैं, उन पर अपने यौन शोषण का आरोप लगाया और उस आरोप के तहत उस डीआईजी को सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन ऐसी सिर्फ ये एक मॉडल नहीं है, ऐसी कई सारी मॉडल्स हैं, ऐसी कई सारी अभिनेत्रियां हैं जिन पर यौन शोषण होता है। लेकिन सवाल यहाँ पर फिर ये खड़ा होता है कि ये जितने भी आरोप लगाए जाते हैं वो सच है या नहीं। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि इसमें गलती किसकी। चर्चा में जुड़ेंगी सोशल एक्टिविस्ट रुजान खंबाता। रुजान मैडम, स्वागत है आपका इस शो में। और इसी के साथ आज हमारे साथ जुड़ेंगे विजय भाई, जो कि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फिल्में बना चुके हैं डायरेक्टर के तौर पर। आपका भी स्वागत है हमारे शो में। और इसी के साथ झनकार, जो कि एक अच्छी मॉडल है और अच्छा काम कर रही है, आज उनसे भी जानेंगे क्या उनके इस स्ट्रगल भरी लाइफ में उनके साथ क्या हो रहा है। आपका भी स्वागत है हमारे शो में। तो फाइनली यहाँ पर सवाल यही खड़े होते हैं कि इतनी अच्छी जो इंडस्ट्री है, लोगों की यहाँ पर चॉइस की बात है, यहाँ पर हमारी दिलचस्पी की बात है। जिस तरह से हमारे मेहमान रुजान मैम ने कहा कि यहाँ पर दिलचस्पी की बात है, आखिर अगर कोई यहाँ पर जा भी रहा है, इस इंडस्ट्री में जा भी रहा है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन वहां पर जो जिस तरीके से किसी को मॉडल, एक मॉडल से सुपर मॉडल बनने के लिए जो लालच दी जाती है, या फिर शायद मॉडल शॉर्टकट अपनाती होगी, तो यहाँ कसूर दोनों का लगता है। हम नहीं कह सकते कि यहाँ कौन गलत है, कौन जिम्मेदार है। मॉडल से बलात्कार के मामले में आरोपी डीआईजी सुनील पारस्कर को सस्पेंड कर दिया गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर डीआईजी को सस्पेंड करने का प्रस्ताव भेजा था। सस्पेंशन पर मॉडल का कहना है कि उसे ईश्वर में आस्था है और पुलिस के साथ ही न्यायिक व्यवस्था में पूरा विश्वास भी है। गौरतलब है कि मुंबई की एक 25 वर्षीय मॉडल ने आरोप लगाया था कि दिसंबर 2013 में दो मौकों पर पारस्कर ने उसके साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण किया था। वहीं 26 वर्षीय टीवी अभिनेत्री और मॉडल ने एक कास्टिंग डायरेक्टर के खिलाफ उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। इस अभिनेत्री का आरोप है कि समीर भोसले नाम के कास्टिंग डायरेक्टर ने शिरडी में उसका उत्पीड़न किया। अभिनेत्री ने ये मामला बोरीवली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने मॉडल को अपने आने वाले टीवी सीरियल में काम को लेकर अनुबंध साइन करने के लिए शिरडी बुलाया था, जहां एक कमरे में उसका उत्पीड़न करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी की पहचान कास्टिंग डायरेक्टर समीर भोसले के रूप में की है। ये एक टीवी सीरियल का निर्माता बताया जा रहा है। अभिनेत्री गीतिका त्यागी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। अभिनेत्री गीतिका त्यागी से वर्सोवा स्थित उनके घर में छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस ने सोमवार को फिल्म निर्देशक सुभाष कपूर को गिरफ्तार कर लिया। गीतिका ने 14 अप्रैल को फिल्म निर्देशक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने बताया जॉली, एलएलबी जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले सुभाष कपूर को गिरफ्तारी के बाद अंधेरी कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें जमानत मिल गई। सुभाष के सहयोगी स्क्रिप्ट राइटर दानिश रजा भी इस मामले में वांछित हैं। ये सारे ही मामले एक ही बात से जुड़ते हैं, यौन शोषण। वहीं डीआईजी पारस्कर के वकील ने साफ कहा कि मॉडल प्रचार के लिए डीआईजी को बदनाम कर एक रियलिटी शो का हिस्सा बनना चाहती हैं। खबरें तो ये भी आई कि पीड़िता मॉडल ने पुलिस को कहा है कि पारस्कर ने पूनम पांडे की वजह से उनका रेप किया, क्योंकि पूनम पांडे पारस्कर के बहुत नजदीक थी और वे उनकी प्रतिद्वंदी भी हैं। अब पुलिस इस मामले में पूनम पांडे से पूछताछ करके पता करेगी कि उनके डीआईजी पारस्कर के साथ किस तरह के रिश्ते थे। पूनम पांडे की तरफ से इस मामले को लेकर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। ये सारी ही बातें एक ही ओर इशारा करती है कि आखिर यहाँ पर गलती किसकी है। क्या बॉलीवुड की, जहाँ पर चमचमाती जिंदगियाँ यहाँ अपना करियर और अपना भविष्य बनाने के लिए आती है,
लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता होता होगा कि उन्हें किन किन चीजों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते हैं कि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो शायद ये भी होता होगा कि प्रतिष्ठा और नाम ना पाने के लिए ऐसे पब्लिसिटी स्टंट्स कई सेलिब्रिटीज भी करते हैं। सबसे पहले मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो गतिविधियां हैं हम बॉलीवुड की, ढोलीवुड की, टॉलीवुड की, कहीं भी हर वुड में ये होता है, तो क्यों, किस वजह से होता होगा, सोसाइटी उसके लिए कितनी रिस्पॉन्सिबल है? जहां तक मुझे समझ आता है, कास्टिंग काउच हम जब छोटे बच्चे थे तब से सुनते आए हुए, उसमें दो टाइप का होता है। एक तो कि ये जो इंडस्ट्री कहते हैं आपकी, जो एक टॉलीवुड बॉलीवुड हॉलीवुड गॉलीवुड सारी इंडस्ट्री, उसमें ये पहले से ही एक प्रथा हुई है, और ये प्रथा हम ही सब लोगों ने, यानी हमारे बोलो एक्टर बोलो एक्ट्रेसेस बोलो, सबने मिलके डाली है कि बाय डिफॉल्ट एक प्रथा है कि भाई अगर आपको अच्छा कुछ करना है तो आपको अच्छा रोल चाहिए तो आपको थोड़ा वो क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है या एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसा सब वर्ड यूज होता है। तो ये जो प्रथा पहले से चालू हुई, आई एम श्योर पहले भी लोग बोलते थे, लेकिन अब थैंक्स टू मीडिया आप लोग आगे आके बोल रहे हो, और आप बहुत अच्छी बात है कि मॉडल्स में हिम्मत आई है, जो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पहले क्या होता था कि ये सब दबा देते थे, जो पावरफुल डायरेक्टर बोलो या प्रोड्यूसर बोलो या ये जो कास्टिंग के डायरेक्टर्स होते इसको दबा देते थे। लेकिन अभी अच्छा क्या हुआ है कि ये सब बहनें बाहर आके बोल रही है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और हाँ, हमें ये प्रथा बंद करनी चाहिए, क्योंकि ये अगर ये हो रहा है तो हम एक बहुत ज्यादा गंदगी फैला रहे हैं हमारे इंडस्ट्री में बोलो, हमारे देश में बोलो, हमारे समाज में बोलो, सो वी शुड डू दैट। तो जंगार, आप क्या क्या आपका क्या कहना है, आपके साथ भी, आप एक मॉडल हैं, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा? मेरे साथ भी अगर कहीं कभी अगर इंटरव्यू लेने अगर कहीं कभी जाते हैं हमको बुलाते हैं तो फिर बोलते हैं कि अगर आप कंप्रोम नहीं करोगे तो आपको काम नहीं मिलेगा। ये तो ऐसी बहुत सारी बात है कि अगर कोई भी अगर लड़की है कि अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास टैलेंट है हमको काम दो तो वो ऐसा बोलते हैं कि नहीं, आजकल वो टैलेंट की क्या जरूरत है कि आज कंप्रोम करो फिर काम देगा, बस ऐसी बात करते हैं और हमको काम नहीं मिलता, पीछे रहना पड़ता है और क्या।